उनको दिल पे लग गया था। नहीं बट ट्राई वो बहुत करते हैं इस साइड से कोई एक उनको मिल जाए। हाँ बहुत सही बात, मुझे कई बार बोला है उन्होंने और मैंने कभी ये चीज़ को, मुझे फर्स्ट डे बोला था उन्होंने कुछ ऐसे, तीनों में से ना मुझे सबसे ज़्यादा सेंसिबल तू ही लगती है, इसलिए मुझे तेरे साथ बैठूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं बात कर सकता हूँ, वरना कोई बात, अविनाश का अलग टेम्पर है, ईशा का अलग टेम्पर है, तो सेंसिबल बात बस तुझसे ही होती है। ईशा और एलिस का टॉप 5 में पहुँचने का सपना, विवियान ही चाहिए उनके ग्रुप में। बिग बॉस के घर में हाल ही में ईशा और एलिस बात करते हुए नजर आए। लाइव फीड में देखने को मिला कि दोनों गार्डन में बैठे हुए हैं, वो बाकी कंटेस्टेंट के बारे में बात करते नजर आए एज यूजुअल, जो हमेशा ही वो करते हैं। यहाँ पर उन्होंने करण की और रजत की भी बुराई की, रजत को कहा कि वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट है, हमेशा ही गेम के बारे में बात करते नजर आते हैं और उनसे काफ़ी खतरा भी है। यहाँ पर ईशा और एलिस ये भी कहते नजर आते हैं कि उन दोनों का भी सपना है टॉप 5 पहुँचने का। कहते हैं कि ईशा, एलिस, विवियन और अविनाश चारों टॉप 5 में होंगे और पता नहीं और कोई और ग्रुप में से। वहाँ पर इन्होंने अपनी ड्यूटीज भी बताई है कि क्या कौन करेगा और काफ़ी सारी इंजॉयमेंट भी करेंगे। और वही ये भी बताया कि वो बिग बॉस के घर को काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे जब बिग बॉस से बाहर जाएंगे। तो आपका क्या लगता है, क्या ये पहुंचेंगे टॉप 5 में? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे टेलीविजन से जुड़े तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए टेली चक्कर के साथ।